अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2024 कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है। रात मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आपको बताया था कि अगर एक तो ये था कि उसमें कौन कौन से लोग कोर्स सिलेक्शन करेंगे और कोर्स सिलेक्शन अगर ना करें तो फिर क्या होता है। तो मज़ीद डिटेल्स इस हवाले से अगर आप जानना चाहें तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। और जो अब वीडियो है वो अब हम आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकली कोर्स सिलेक्शन करनी कैसे आपने। तो उसके लिए हम सीधा सीधा LMS ओपन करेंगे और मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो नोटिस बोर्ड के ऊपर है, वहाँ पे डेट दी हुई है। आज 20 मार्च है और इस वक्त 8 बजने वाले हैं। कोर्स सिलेक्शन आज की डेट में ओपन हो चुकी है और ये चलेगी 10 अप्रैल तक। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि आप इसको ऐड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप कोर्स सिलेक्शन एक दफ़ा कर लेते हैं तो अगर आप उसमें कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या ज़्यादा कोई ऐड करना चाहते हैं लिमिट के मुताबिक, तो फिर उसके लिए आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 10 अप्रैल है। तो चलें अब आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कोर्स सिलेक्शन करने का तरीका। और उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं कोर्स सिलेक्शन के या बाकी चीज़ों के, वो आपको इस सूरत में मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन किया होगा। तो चलें कोर्स सिलेक्शन करके दिखाता हूँ आपका। सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है और इसमें मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट करेंगे कोर्स सिलेक्शन, वो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। ये नए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना LMS ओपन कर लें। उसमें BEd वाले नहीं करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर जिनका है BS का ADP का वो नहीं करेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पाँचवें सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है वो कोर्स सिलेक्शन लाजमी करेंगे। चलें ओपन करते हैं। LMS ओपन कर लिया हमने। अब देखें जैसे ही आप होम पेज के ऊपर आएंगे आपको कुछ पुराने सब्जेक्ट जो पिछले सेमेस्टर में थे वो नज़र आएंगे। ये उन लोगों के जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, तो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है उनकी पहले से जो सब्जेक्ट होते हैं वो कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हुई पड़ी होगी, उनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि BEd वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, BS फर्स्ट सेमेस्टर, ADP फर्स्ट सेमेस्टर, किसी का कोई डिप्लोमा है फर्स्ट सेमेस्टर या शार्ट कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन जो पाँचवें सेमेस्टर वाले हैं उनकी मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूँगा, वो इस तरीके से भी कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं जैसे अब हम करने लगे हैं। तो एक चीज़ नए स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि ये जो बेल आइकॉन है यहाँ पे, ये किसी चैनल का नहीं है, ये नोटिफिकेशंस का बटन है। जो भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मज़ीद यूनिवर्सिटी की तरफ से आएंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें क्लिक करें तो इम्पोर्टेंट नोटिस आए हुए हैं दो, एक तो कोर्स सिलेक्शन के हवाले से और दूसरा नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आज शाम तक वीडियो बना दूँगा कैसे अप्लाई करना और किस तरह आपको ये मिल सकती है। तो आज की जो वीडियो है उस पर हम ज़रा देख लेते हैं कोर्स सिलेक्शन करके। इस साइड पे मेन्यूज़ हैं, यहाँ पे देखें तो कोर्स सिलेक्शन, इसको आपने क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा सारी की सारी चीज़ें। अब आपने थोड़ा सा इसको अगर हम जूम इन कर लें तो फिर हमें नज़र आएंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ये कुछ पिछले हैं यानी BC और D वाले। अगर आप अब ये पुलिसी यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है, पहले सिर्फ और सिर्फ D वाले कर सकते थे इम्प्रूव, अब ऑप्शन आ गया है कि ग्रेड B, B-C और D वाले भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव करने हैं ऑलरेडी ये पास सब्जेक्ट हैं तो इसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन अभी सिर्फ कोर्स सिलेक्शन करके मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे पास सामने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल 9 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। हमने मैक्सिमम कितने रख सकते हैं ये देखें। इस तरह आपने एक्शन बटन में जाके उसको रेड को ग्रीन कर देना है। 3, 4, 5, 6 और ये 7, और इसके बाद मैक्सिमम 7 ही कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, ये 7 हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, 2 बाकी बच के, अब हमें इसको कर लेते हैं सेव सिलेक्शन। और अब अगर हम आए होम पेज के ऊपर तो हमें वही वाले सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जो पुराने थे यहाँ, और उनमें जितने लेक्चर्स थे पिछले सेमेस्टर के वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ। इसके लिए आपने सिंपल सा करना है कोर्स सिलेक्शन,
दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपने लोड सेलेक्टेड कोर्सेज कर देना है। अच्छा, अभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वही देख रहे हैं 305 EDU 705 जो पुराने पड़े हुए थे। अब आपने सिंपल करना है, कोर्स सिलेक्शन जब आपने कर ली तो फिर आपने इसको कर देना है लॉग आउट। लॉग आउट के बाद हम करेंगे दोबारा से लॉग इन। तब आप देखें कि यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज हैं वो नए वाले आ चुके हैं, और आ चुके हैं लेकिन अभी वो देखें एक्टिव नहीं है। एक्टिव इसलिए नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट होनी है आपकी 1 अप्रैल से, उससे पहले पहले ही एक्टिव हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपने कोर्स सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, और हमने जो 7 सेलेक्ट किए थे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां सब्जेक्ट, तो ये हमारे होम पेज के ऊपर आ चुका है। इस तरीके से आप ये कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर बीएड वाले हैं या सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, इनकी कोर्स सिलेक्शन बड़ी एहतियात से होती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती इनका सेमेस्टर बढ़ा देती है। तो कोर्स सिलेक्शन बीएड वालों के अलावा के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, और जो 5वें सेमेस्टर वाले हैं न्यू एडमिशन्स उनके लिए भी अलग से वीडियो आ जाऊँगा। लेकिन आप इस तरीके से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, मुश्किल नहीं है। और सीक्वेंस का ख्याल रखें सब्जेक्ट का, इसलिए कि अगर आप सीक्वेंस ख़राब कर देते हैं, सीक्वेंस का मतलब यह है कि आप की जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक आप करते जाते हैं, तो फिर आपके लिए कोर्स सिलेक्शन जो स्कॉलरशिप है वो मिलती जाती है। अब उसका तरीका यह है कि जैसे सेमेस्टर 1 है तो आपने ये सेमेस्टर 1 वाले ले लिए, सेकंड सेमेस्टर आया तो फिर उसमें से ले लिए, थर्ड सेमेस्टर आया तो फिर सारे वो ले लिए, इस तरह। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 3 यहाँ से ले लिए और इसमें से कुछ 2-3 आसान लगे तो इसमें से ले लिए, ठीक है। ये आप जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर आप जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो चलें ये बातें बाद में करेंगे, अब हमारी कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है, आप भी फ़ौरन से कर लें। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अगला सेमेस्टर कंटिन्यू करना है, कोई मज़ीद जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, एक तो ये है कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत सारी नीचे नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल भी दी हुई हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अपनी वीडियो ईमेल को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये नंबर्स भी हैं, ईमेल्स भी हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और हमेशा की तरह इनसे रब्ता करने के लिए आपने अपनी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल मिली होती है उसको इस्तेमाल करना है। तो बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे गाइड करते रहेंगे आपको, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम आपको आ रहा है, और फिर उसके ऊपर हम वीडियो बना देते होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है, आज 20 है, और फौरी तौर पर कोर्स सिलेक्शन कम्प्लीट करें जो सब्जेक्ट आपके आगे आपने पढ़ने हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।